हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से मैं नितेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पर तीन वीडियो आज की डेट में आ चुकी है। एक वीडियो जहाँ पर आप नीचे के लेवल से लेके पैसे यहाँ लगा सकते हैं, ये वीडियो किस तरीके से गिरावट हुई और किस तरीके से आप इस मौके का फायदा उठा सकते हो। इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, कोई नहीं बताएगा आपको, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो हर 3 महीने में 15 से 20% के रिटर्न और अच्छा खासा पैसा यहाँ पर से मोटा कमा के आप ले जा सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट स्टॉक से रिलेटेड। ब्रेकआउट स्टॉक्स वो स्टॉक्स जो यहाँ पर या तो भागते हुए नजर आते हैं या फिर उस लेवल से नीचे गिरते हुए नजर आते हैं, उसे ब्रेकआउट स्टॉक्स या ब्रेकडाउन स्टॉक्स कहते हैं। तो एक रेजिस्टेंस को जब क्रॉस करते हैं, तो उस उधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। सेम यहाँ पर सपोर्ट के केसेस में भी यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। तो उन्हीं स्टॉक्स से रिलेटेड 4-5 स्टॉक्स है, उनसे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल आपका चैनल है, सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डाले आपको वीडियो मिले और आप सबसे पहले वीडियो देख के यहाँ पर उस वीडियो को सीख सके, लर्न कर सके कि किस तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन होता है। दूसरी वीडियोज के लिंक यहाँ पर दे रखे हैं, तो यहाँ पर वीडियोज को जाके यहाँ पर देख लीजिएगा हमारे चैनल पर जाके और हमें फॉलो कर लीजिएगा। बाकी हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है, इस पर्टिकुलर नंबर पे आप कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अगर वीडियोज अच्छी लग रही है तो हमें बता सकते हैं इन भी नंबर पे। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। तो हम कुछ स्टॉक्स है जो आपके लिए लेके आए हूँ जिसमें आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं देख के। तो शॉपर स्टॉक्स पहला एक स्टॉक्स यहाँ पर नजर आता है। शॉपर स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो शॉपर स्टॉक्स एक बेहतरीन कंपनी है, आपको पता ही है। फंडामेंटल से रिलेटेड अभी बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें इसमें केवल हम ब्रेकआउट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो टेक्निकल के बेसिस पे हम यहाँ पर चीज़ें आप देखते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, देखिएगा और उसके हिसाब से आप यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो काफी टाइम का यहाँ पर आप देखेंगे 2017-2018 में एक कंसोलिडेशन, उसके बाद एक गिरावट, और उसी ब्रेकआउट को यहाँ पर तोड़ने के लिए ये कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो आप यहाँ पर देखिए, आज के दिन में एक कोशिश करी, चीजें ऊपर गई, ऊपर जाके यहाँ पर एक लेवल बनाया और उसके बाद चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी। अब इसे यहाँ पर भागने के लिए, ब्रेकआउट करने के लिए इस लेवल को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, जो कि कितना है, 598 रुपये। 598 रुपये को अगर ये क्रॉस करता है तो याद रखिए इसमें एक और रैली होती हुई नजर आएगी, जो यहाँ पर शेयर को सबसे पहले 654 रुपये पे लेकर जाएगी, जो कि यहाँ पर कब का हाई था एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, 652 रुपये 45 पैसे का हाई था 3 सितंबर 2018 का। ओके, और इस लेवल को भी अगर ये क्रॉस कर देती है तो एक और रैली होती हुई नजर आएगी जो कि और अच्छे तरीके से भागेगी। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ऑलरेडी मार्च में अगर आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर इसे नीचे ले आता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 25 फेब से लेके अभी तक एक बेहतरीन 2 महीने में एक रैली हो चुकी है ऑलरेडी। इसमें 300 रुपये का स्टॉक्स यहाँ पर 600 रुपये पे जा चुका है, पैसे ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल कर चुका है। जब यहाँ पर सब चीज़ डबल हो चुकी है तो ऐसे लेवल पर ऊपर चढ़ के खरीदने में हमेशा घाटा होता है, क्यों, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर ट्रैप हो जाती है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर अगर चीज़ें निकलती है तो कुछ कैंडल्स होती है, कुछ यहाँ पर ट्रेंड लाइंस होती है, उसे के बेसिस पे यहाँ पर खरीदा जाता है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाइंग करनी होती है। क्यों, अगर आप फंसे रह गए तो याद रखिए ये लेवल आने में 1 साल 2 साल और अगर रिजल्ट बेकार आ जाते हैं तो आप बहुत लंबे टाइम तक अटके रह सकते हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट का वेट कर लीजिए, रिजल्ट आने के अगर अच्छे आते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ से नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर एक अच्छे खासे सपोर्ट नजर आते हैं कि 454 रुपये एक सपोर्ट नजर आता है, 418 रुपये चीज़ें नीचे आएगी, अच्छे रिजल्ट आएंगे, कंसोलिडेशन हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप खरीदेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आएगा। तो हरी मत करिए, सबसे पहले मार्केट में असूल है पेशेंस के साथ बिल्कुल हरी ना करके काम करना होता है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट का लेवल ये वाला है, तो एक स्टॉक्स शॉपर स्टॉप इसे अपनी निगाहों में रखना, क्योंकि यहाँ पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, एज वेल एज इस ब्रेकआउट से अच्छा खासा पैसा आपका बन सकता है। अब बात करेंगे एक और स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है एमी ऑर्गेनिक। एमी ऑर्गेनिक से रिलेटेड अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, तब आपको इससे रिलेटेड यहाँ पर बताया था। तो आज के दिन भी एक यहाँ पर ए लेवल निकाल के ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। अब इसके लिए यहाँ पर देखिए एक और ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, बट एक हर्डल है इसके लिए, और वो हर्डल कौन सा है, वो हर्डल है एग्जैक्ट बता देता हूँ, 1159, मतलब 1160 रुपये को अगर इसने क्रॉस किया, आज के दिन में ये 1142 तक गया था, 1160 को यहाँ पर क्रॉस किया तो एक रैली होती हुई नजर आएगी, जो
से अपने ऑल टाइम हाई तक लेके जाएगी जो अभी रिसेंट का है, और लगभग 25% के रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगभग एक का जब से शेयर आया है उसके बाद से लगातार गिरावट है, अब चीजें भागती हुई नजर आ रही है, बट यहाँ पर एक हर्डल से है, तो यहाँ से या तो चीजें ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी, इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो अगर आप प्ले करना चाहते हैं प्ले कर सकते हैं, बेहतरीन रिटर्न भी मिलते हुए नजर आएंगे, बट स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाते हैं, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1106 रुपये का, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट नजर आता है। इसके बाद अगर हम बात करें और इसके बीच में इन दो कैंडल के बीच में ये चीज घूमती हुई नजर आ रही है, और रिजल्ट अगर अच्छे आए तो याद रखिए चीजें निकलेगी और अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। एमी ऑर्गेनिक की तरफ भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इसके अलावा एक और स्टॉक से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे जिसका नाम है डीपी वायर्स। डीपी वायर्स की बात करें, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, ओके। तो यहाँ पर अगर देखें, या मैंने भी अभी पहली बार ही सुना है एस वो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके बारे में हम ना स्टडी करते हैं ना हमें पता है, बट धीरे धीरे पता चल रही है, तो ऑब्वियसली बात है इन्हें हम ध्यान में रखेंगे, वॉच लिस्ट में रखेंगे। यहाँ पर भी देखिए ब्रेक आज के दिन में लगभग 10% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है, और कल के दिन में मुझे लगता है ये शेयर दोबारा भागता हुआ नजर आएगा और इस लेवल को निकाल देता है। याद रखिए 398 रुपये 75 पैसे, 399 को ये क्रॉस कर देता है तो एक रैली होती हुई नजर आएगी जो इस शेयर को और भी लगभग 450 रुपये तक लेके जा सकती है। तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना ही है। अगर यहाँ से ऊपर जाती है चीजें तो याद रखिए आज का जो हाई था 400 रुपये 393 का, उसी को स्टॉप लॉस लगा के काम यहाँ पर करिएगा, और स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे तो यहाँ पर फंसने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर चीजें नीचे गई तो याद रखिए यहाँ पर एक सपोर्ट नजर आता है 369 के आसपास, और फिर 334 रुपये के आसपास, तो 40-50-60-70 रुपये के नीचे यहाँ पर शेयर आ सकता है। तो इसे भी यहाँ पर आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और शेयर से रिलेटेड हम बात करेंगे जिसका नाम है इन्फोबीन टेक्नोलॉजी। इन्फोबीन टेक्नोलॉजी की बात करें, देखिए आज के दिन में ये शेयर ऊपर भागा, ऊपर भाग के यहाँ पर चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी। अब क्या हो सकता है, अब इसमें पॉसिबिलिटीज एक है कि इसे सबसे पहले जो आज का हाई था 875 का, 819 पे बंद हुआ है, 875 को क्रॉस करना है, 875 को क्रॉस किया है इसने तो यहाँ पर शेयर में और तेजी हो सकती है। बट यहाँ पर देखेंगे फेब से लेके यहाँ पर एक तेजी हुई, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल पे, यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेवल, ये जो लाइन्स होती है ना, ट्रेंड लाइन्स जिन्हें कहते हैं, बहुत महत्व बहुत काम की चीजें है। अगर इसे कोई सीख गया सही से लगा ली तो याद रखिए पैसे ही पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर देखिए हुआ गिरा, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, फिर बार बार इसी सपोर्ट पे अटका, और इसी सपोर्ट से आज की डेट में भागता हुआ निकल के यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया, और इसे असली ब्रेकआउट के लिए अगर 875 का लेवल क्रॉस करता है चीजें भागती हुई नजर आएगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अगेन जब चीजें ऊपर चली जाए, तो इस स्टॉप को लॉस को लगा के 868 के स्टॉप लॉस, 875 के स्टॉप लॉस को लगा के काम करिएगा और ट्रेल करते जाइएगा। बाकी नीचे के लेवल की अगर बात करें 814, और इसे भी अगर तोड़ देता है फिर यहाँ पर एक सपोर्ट नजर आता है। तो अच्छी खासी रैली ऑलरेडी इन चीजों में हो चुकी है, सोच के समझ के इन्वेस्ट करिएगा, सोच के समझ के इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा डेफिनेटली बनेगा। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही स्टॉक्स और भी चाहिए हो आपको, ओके, तो हमें कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके वीडियोस को, कमेंट करके, और दूसरी वीडियोस को जाके देख के, वीडियोस को जाके देखेंगे नॉलेज मिलेगी, टाइम देंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।